Praises to the name of the Lord. Hallelujah. The Lord is wonderful. Glorious, mighty in power. Hallelujah. Loving, kind, and compassionate, isn't he? We bless his magnanimous name. We lift him up this evening. Hallelujah. Father, we bring the sacrifice of praise before you. We offer at your altar gratitude. Lord, we present you the calves of our lips. As Prophet Amos says, we present you the calves of our lips. Hallelujah. We glorify you. We magnify you, Lord, and we bless you. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Give you glory. Give you honor. Jesus, Jesus of Nazareth. Glorify you. We glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Brother Robbie John, Jamasiki. Jamasiki, Pastor. Hallelujah. ब्रदर रॉबी जॉन परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के दास के बेटे हैं फिरोजपुर से. ये एक जबूर में हमारी अगुवाई करेंगे. ब्रदर सिंह जबूर प्लीज. हालेलुया. गाइए प्रभु की महिमा के लिए. सिखावांगा तैनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा सिखावांगा तेनू विखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा ना हो कोड़ियां खचरां वांगर तू ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू के कुछ भी नहीं मजे समूहानू सिखावांगा तैनू वेखावांगरा मेरी अखियां तैनू वेखण सदा लगा माते बागा है ओ ना दसात लगा माते बागा है ओ ना दसात ना ओ रेंदे काबू बिच ओ ना देबाज ना ओ रेंदे काबू बिच ओ ना देबाज सिखावांगा तैनू वांगरा मेरी अखियां तैनू वेखण सदा मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा मेरी अखियां तैनू वेखण सदा ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल तेरा रब केरदा ओ नानू रहमत देना तेरा रब केरदा ओ नानू रहमत देना. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Brother Robbie, the Lord bless you. The Lord bless your household. The Lord bless your father and mother. Your father is a servant of the Lord, and your brother is a wonderful man who lives in Italy and also serves the Lord. The Lord bless your household. Hallelujah. Thank you. The Lord bless you. Hallelujah. Jai Masih ki. Ab main Parmeshwar ke vachan ko share karunga aur uske baad mein fir main aapko line pe lunga wo hum aakhri zabur gayenge. Okay. ओके जय मसीह की. जय मसीह. हालेलुया हालेलुया. आज एक बड़ा अद्भुत संदेश आपको देना चाहता हूं. बहुत अद्भुत वचन परमेश्वर का आत्मा जो मुझे सिखाता है.
हालेलुया। भाई और बहनों, ये बेशकीमती हैं, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों से बेशकीमती हैं। इन्हें अपने दिल की माला में, जैसे गीत है, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा यसु, तू बढ़ता जा यसु, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। लॉर्ड, लेट योर स्पिरिट स्पीक। लॉर्ड, आई ड्रॉ द हेज ऑफ द ब्लड द लैम ओवर योर पीपल। लॉर्ड, रिलीज योर वर्ड एंड रिलीज द लाइट। लॉर्ड, लेट एवरी नुक एंड कॉर्नर, एवरी नुक एंड क्रैनी इन अ सोल, स्पिरिट एंड बॉडी लिट अप विद योर डिवाइन लाइट दिस इवनिंग। लॉर्ड, ड्रॉ अस क्लोजर टू यू, दैट वी लर्न टू लव यू मोर, दैट वी लर्न टू ओबे यू मोर, दैट वी लर्न टू सर्व यू मोर। Lord, that the spirit of the fear of the Lord captures our whole being, and we stand in the awe of your riveting presence, Lord. Yeshu Masih, तेरे जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज मैं एक अद्भुत संदेश आपको देने जा रहा हूं। बाइबल में जिक्र है वर्लविंड का, एक वामरोला, पंजाबी में से वामरोला कहा गया, वर्लविंड, एक अद्भुत आंधी जो ऐसे ऊपर से आती है, उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। यहोवा परमेश्वर की हजूरी जब आती है, एक वर्लविंड आती है, एक मजेस्टिक विंड हेवन से आती है, और उस विंड के अंदर छिपी होती है यहोवा की हजूरी। ये संदेश शायद हम दो तीन सीरीज में इसका अध्ययन करेंगे। वर्लविंड के अंदर डेमोनिक स्पिरिट्स भी होती हैं, बदरुएं भी होती हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं एक अद्भुत वर्लविंड, वर्लविंड वामरोला, जिसके अंदर महाप्रतापी यहोवा परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। इजिकियल नबी की पुस्तक पहले अध्याय में, इजिकियल नबी, इजिकियल एक ऐसा अलौकिक नबी है जिसके रेवलेशन, जिसके ऑर्थोडॉक्स जूस थे, वो कैनन में इजिकियल की किताब को रखना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे इजिकियल की बुक इज टू रेवोल्यूशनरी, इट इज टू मिस्टिक, इट इज टू प्रोफाउंड, इट एक्सपोजेज अ लॉट। लेकिन इजिकियल एक अद्भुत जवान नबी है, यंग, 30 ईयर्स की एज का नबी है। अद्भुत पारलौकिक विजन्स हैं जो इजिकियल नबी को यहोवा परमेश्वर ने दिए हैं। ये जो विंड है, वर्ल्ड विंड, जिसमें यहोवा आता है स्वर्ग से, ये यहोवा का ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है। यहोवा परमेश्वर की हजूरी ट्रांसपोर्ट होती है वर्ल्ड विंड में, ऑन वेरी सिग्निफिकेंट ओकेजन्स। याह हशेम याहुआ याहवे कम्स विद अलोंग विद हिज थ्रोन इन दिस डिवाइन वर्ल्ड विंड। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा, ये नॉर्थ से आती है। अगर आप पढ़ेंगे आइजाया 14 वर्स नंबर 15, जो लूसीफर है, लूसीफरस, जिसे हिब्रू में कहा गया हीलियल बेन शखार, हीलियल बेन शखार, हीलियल का मतलब भी रोशनी को ले जाने वाला है, बेन शखार, वो शखार का बेटा है। ये शखार कौन है, किसी समय इस पे भी हम अध्ययन करेंगे। देयर इज अ प्रोफाउंड टीचिंग अबाउट हु शखार इज। हालेलुया। लूसीफर हीलियल इज द सन ऑफ शखार। शखार इज गॉड, ए गॉड ऑफ डीमन पैंथियन, हु कंट्रोल्स द डॉन एंड द ट्वाइलाइट। सम अदर टाइम वी विल डिग डीपर इनटू दिस ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड। लेकिन ये नॉर्थ की तरफ हीलियल कहता है कि मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। ये जो जिधर आप इस समय हो, अपने नॉर्थ की ओर देखिए, एक्सट्रीम नॉर्थ। ये जो एक नॉर्थ है ऊपर,
ये इटर्निटी है। इस नॉर्थ की तरफ यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है, और ये जो हीलियल बेन शखार है ये नॉर्थ की तरफ असेंड करना चाहता है। आपको मालूम नॉर्थ के लिए हिब्रू वर्ड क्या है? एल शफॉन। नो बॉडी कुड फाइंड इट आउट, नो साइंटिस्ट नो एस्ट्रोनमर कैन फाइंड आउट एल शफॉन द साइड्स ऑफ द नॉर्थ, उत्तर की दिशाओं की और मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। ये बेन शखार लूसीफर की डिजायर थी जिसे हीलियल कहते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिंथियों 12 अध्याय के 2 से 4 वचन को पढ़िए। प्रेरित पौलुस का, अपोसल रसूल पॉल का, पौलुस का अपना एक जाती तजर्बा है। ही वॉज कैरिड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इन टू द थर्ड हेवन, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग में पैराडाइज है। पहले पैराडाइज नीचे था जमीन के, लेकिन आपको मालूम यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका था, वो जो चोर जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह उसे कहते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यू विल बी इन पैराडाइज। जीसस डिडंट से यू विल बी इन हेवन, यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। तो पैराडाइज पहले जमीन में था, इब्राहिम की बूजम, इब्राहिम की गोद, वहां पे धर्मी संतों को यीशु मसीह आजाद करा के ले गया। अब जो दूसरी तरफ है खाई की, इधर वहां आग जलती है, वहां पे अधर्मी रूहें हैं, लेकिन पैराडाइज को यीशु मसीह आजाद करा के ले गया। संत यीशु मसीह के साथ चले गए हेवनली पैराडाइज में, और वहां पे वो वेट कर रहे हैं रेजरेक्शन की। सबको जलाली शरीर मिलेंगे, उसकी इंतजारी वो लोग कर रहे हैं। आपको मालूम जो पहला हेवन है जहां क्लाउड है, ये पहला हेवन है जहां पे विंड है, क्लाउड है। सेकंड हेवन है जहां पे स्टार्स हैं, थर्ड हेवन है जहां पे यहोवा का सिंहासन है। हालेलुया हालेलुया। साम 82, सॉरी साम 48, मैं पढ़ता हूं आपके लिए जल्दी से। जल्दी जल्दी वचन बीच में प्रिंट करते जाइए, जो भी मैं वचन बोल रहा हूं प्लीज समबडी प्रिंट देम, ताकि लोग जब परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, देखते हैं दोबारा, तो उन्हें वो वचन मिले। 48, 48 जबूर, जो भी मैंने पहले वचन बोले वो भी प्रिंट कर दीजिए। पहले मैंने आपको बताया यशाया 14:15, दूसरा कुरिंथियों 12:2-4। अब जबूर 48, 48 जबूर, और उसकी 2 आयत आपके लिए पढ़ता हूं, सुने। 48:2 में क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड इन द सिटी ऑफ अवर गॉड, हमारे परमेश्वर के शहर में यहोवा महाप्रतापी है। हिज होली माउंटेन ब्यूटीफुल इन एलिवेशन इज द जॉय ऑफ ऑल द अर्थ, माउंट जायोन इन फार नॉर्थ, उत्तर की दिशा में सियोन पर्वत। ये सियोन पर्वत सिर्फ वो नहीं है जो यरूशलम में है, वो भी नॉर्थ की दिशा में, लेकिन ये उसके ऊपर जो स्पिरिचुअल पहाड़ है, हालेलुया, हेवनली जायोन है, उसकी बात भजन लिखने वाला कर रहा है। इन द फार नॉर्थ द सिटी ऑफ द ग्रेट किंग, महान राजा का शहर है वो, राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यीशु मसीह का शहर है। हालेलुया। नॉर्थ सिटी जो है वहां से वर्ल्ड विंड आती है। इजिकियल देखता है, इजिकियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 4 से 11 वचन पढ़िए, आप पढ़िएगा, प्रिंट कर दीजिए। इजिकियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 4 से 11, इजिकियल क्या देखता है? बहुत अद्भुत विजन देखता है। इजिकियल देखता है जो खरब्स हैं, हिब्रू में खरब बोलते हैं, खरबम जिसे चरबिम बोला गया इंग्लिश में, करूब जिन्हें कहा गया है। ये करूब कौन है जिनके चार चार फेसेस हैं? एक इंसान का है, एक ईगल का है, एक बैल का है, एक शेर का है, और यहोवा ने इन्हें अनादिकाल में बनाया है, ये लिविंग क्रीचर्स को, जिनमें से एक का चेहरा इंसान का है, मैन का है। आपको मालूम मैन वॉज ऑलरेडी क्रिएटेड इन हेवन, गॉड मेड हिम इन द गॉड गॉड मेड हिम ऑन द अर्थ एंड पुट हिम इन द गार्डन मच लेटर, बट मैन वॉज ऑलरेडी इन हेवन बिकॉज वन ऑफ द फेसेस ऑफ द खेरबीम चरबीम इंसान का चेहरा है। हालेलुया। इजिकियल 4:11 में देखता है कि चार जो खरबिम हैं, चरुबिम हैं, ये यहोवा के सिंहासन को उड़ा के लेके जा रहे हैं। यहोवा का सिंहासन उड़ता है,
बहुत मजेस्टिक सिंहासन है, इतना बड़ा है कि एक बड़ा सिटी कवर हो जाएगा इससे, सच ह्यूज। और जो खरबिम है वो उड़ा के इसे संसार में कहीं भी स्थापित करते हैं, करूबों के ऊपर यहोवा विराजमान है। हम जबूर गाते हैं, यहोवा राज करदा है हुण लोग मना डर, ओ करूबीम ते बैठा है कंबे जमी थर थर, कंबे जमी थर थर, ओ करूबीम ते बैठा है कंबे जमी थर थर, सहून विच है बजुर्ग खुदा बुलंद सब कौमां ते, ओ पाक ना वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे, सिताइश करनगे, ओ पाक ना वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे। हालेलुया। और आपको मालूम इजिकियल क्या देखता है? इजिकियल देखता है कि एक फ्लोर है, सिंहासन लगा यहोवा का पत्थरों से, कीमती स्टोन से, जूल्स एंड डायडम से जड़ा हुआ सिंहासन है, और सेफायर की पेमेंट है। सेफायर एक कीमती पत्थर है, इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। सेफायर का बहुत ह्यूज फ्लोर है, इट इज ग्रेटर देन अ बिग सिटी लाइक न्यूयॉर्क, एंड इट इज फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ रहा है सेफायर का, इट लुक्स लाइक द सी। रेवलेशन में एक सी सी है, मैं सी के विषय में बताऊंगा क्यों वचन कहता है दैट देयर विल बी नो सी इन द मिलेनियम। 1000 साल के राज्य में समुंदर नहीं रहेगा, हेवनली किंगडम में समुंदर नहीं रहेगा, समुंदर के अंदर कैओस आई, गॉड विल डिस्ट्रॉय द ओशंस बट देयर विल बी अ ग्लासी सी। हालेलुया। तो सेफायर जो है, ये सेफायर का हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है, हिंदी में क्या बोले, सेफायर एक कीमती पत्थर है, उसका फ्लोर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेफायर साइंटिस्ट बताते हैं आग में बनता है। राकेश कुमार जी कह रहे हैं एरर आ रही है लोडिंग में, आप किसी को प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की, आप सबको दिखाई दे रहा है, प्लीज मुझे बताइए। सेफायर स्टोन आग में पैदा होता है, किसमें पैदा होता है? अग्नि में, आग में। हालेलुया। हीट में बनता है, बहुत बार ये वोल्केनो में से निकल के बाहर आता है, वोल्केनो समझते हैं आप, लावा जहां होता है वहां से निकल के बाहर आता है। से आपको मालूम लूसीफर को इजिकियल में डिस्क्राइब किया गया है, इजिकियल नबी की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 14 से 16 वचन को पढ़िए, पढ़िए आप इजिकियल 28 के 14 से 16, उसको मार्क भी कीजिए प्लीज, इजिकियल 28 14 से 16 हिंदी में प्लीज लिख दीजिएगा। इन इजिकियल चैप्टर नंबर 28 वर्सेस फ्रॉम 14 टू 16 वी सी लूसिफर हुज ओरिजिनल नेम इन हिब्रेइक परस्पेक्टिव इज हीलियल, इन हिब्रू हिज नेम इज हीलियल। व्हाट डज हीलियल डू? ही वॉक्स अप एंड डाउन अमंग द फायरी स्टोन्स। हु आर दीज फायरी स्टोन्स? दे आर लिविंग एंटिटीज। ही वॉक्स अप एंड डाउन, ही असेंड्स एंड ही डिसेंड्स। हालेलुया। तो ये जो ऊपर चढ़ता है फायरी स्टोन्स के ऊपर नीचे ऐसे चढ़ता था, कौन? हीलियल। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि मैं आपको अभी और इसकी गहराई में हम चलेंगे, जेनेसिस 1:1 में हम देखते हैं इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, बेरशित 12 एलोहिम, याद है आपको वो स्क्रिप्चर, बेरशित 12 एलोहिम एथ हश्यमायम वा एथ हा अरेट्स, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। हिंदी की आपको बाइबल उसमें प्लीज हिंदी में टाइप करते जाइएगा, तो लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। आपको मालूम बहुत सारी नॉन कैनोनिकल बुक्स हैं जिनको बाइबल में नहीं लिया गया लेकिन कैनोनिकल बुक्स हैं, नॉन कैनोनिकल बुक्स हैं, उनमें लिखा है यहोवा ने जो कुछ बनाया सिद्ध बनाया, संपूर्ण बनाया। किसी को दूसरे वचन में लिखा है जेनेसिस 1:2 में, नाउ द ओरिजिनल रेंडरिंग इज नाउ द अर्थ बिकेम वॉयड एंड फॉर्मलेस, द हिब्रू वर्ड इज तुहु बा वुहु,
तुहु वाबुहु बेडौल और सुनसान हो गई, वॉयड एंड फॉर्मलेस, और परमेश्वर का रूह और अंधेरा छा गया, और पृथ्वी पानी के नीचे डूब गई, और यहोवा का रूह पानियों के ऊपर क्या कर रहा था? मंडला रहा था। यहोवा का आत्मा पानी पे इसलिए मंडला रहा था क्योंकि पृथ्वी पानी में डूब गई थी। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी को ठंडा किया जा रहा है। उत्पत्ति एक अध्याय का पहला वचन और उत्पत्ति पहले अध्याय का दूसरा वचन, दोनों के बीच में शैतान का रिबेलियन हुआ। हालेलुया, लूसीफर का रिबेलियन हुआ जिसे यहोवा ने स्वर्ग से गिराया, और पृथ्वी और ये सारी क्रिएशन कायोटिक हो गई, तूहू वाहू हो गई। यहोवा ने इसे ऐसे सृजा नहीं था, और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसी पृथ्वी की मिट्टी से यहोवा ने आदम को रचना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो ओरिजिनल क्रिएशन है भाई और बहनों, उत्पत्ति एक एक की, ये हमें नहीं मालूम कब हुई, हजारों साल पहले हुई, हजारों करोड़ों साल शायद पहले हुई, लेकिन उसके बीच में रिबेलियन आया। और यीशु मसीह कहते हैं लूका 10 की 18 में, या 18 की 10, 10 की 18, बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन, देखो मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई जमीन पे गिरते देखा है, नीचे गिरते देखा, जमीन नहीं कहा यीशु मसीह ने। बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। हालेलुया। तो ये उत्पत्ति एक एक जो है ये संपूर्ण दशा है। उत्पत्ति एक की दो में विद्रोह है और कयोस है, पानी के अंदर कयोस है, समुद्रों के अंदर कयोस है। लिवायथन का जिक्र है बाइबल में भाई और बहनों, रेहब का जिक्र है बाइबल के अंदर। ये कौन है? इनके विषय में भी हम किसी समय वचन में से गहरा अध्ययन करेंगे। द स्पिरिट ऑफ लिवायथन, रेहब, ये कौन है? हालेलुया। सी मॉन्स्टर्स, ये कौन से हैं? कौन सी रूहें हैं ये? इनके ऊपर हम फिर कभी मनन करेंगे। तो अब आप पढ़िए जोब, अयूब की पुस्तक 38 चैप्टर वर्सेस 4-7। यहां पे अयूब को परमेश्वर एक भेद बता रहा है। परमेश्वर कह रहा है, जहां परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं वचन पढ़ देता हूं। अयूब 38, अयूब की पुस्तक और 38 चैप्टर, अयूब 38, अगर आप 38 की फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहोवा परमेश्वर अयूब की पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर में दिखाई देते हैं, उसके बाद यहोवा परमेश्वर दिखाई नहीं देते, और अयूब परीक्षा में से गुजरता है, यहोवा का चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप पढ़ेंगे 38 चैप्टर, यहोवा पिता फिर दिखाई देते हैं। 38 का फर्स्ट वर्स पढ़िए, देन द लॉर्ड एंसर्ड जोब आउट ऑफ द व्हर्लविंड। यहोवा आया ऊपर से नीचे। यहोवा का ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल कौन सा है? व्हर्लविंड। खरबिम चरबिम उसके सिंहासन को लेके नीचे आते हैं, और यहोवा अयूब से बातें करता है। और यहां पे क्या कहता है यहोवा परमेश्वर 7 वचन में, When the morning stars sang together, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. God is asking nearly 60 questions. Job asked the Lord 9 questions. You know what Job said unto the Lord? Job said unto the Lord, You are righteous, you are holy, you are benevolent, kind, and merciful, but you do not know how to run the world. That is what eventually Job accused God of. तो अयूब से परमेश्वर ये सवाल करते हैं, 60 questions हैं, जिनमें से एक का भी जवाब अयूब को नहीं मालूम, हमें भी आज भी नहीं मालूम, आज जितने साइंटिस्ट हैं किसी को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को नहीं मालूम, पॉलिटिशियंस को नहीं मालूम, फिलोसोफर्स को नहीं मालूम, डॉक्टर्स को नहीं मालूम, एंथ्रोपोलॉजिस्टों को नहीं मालूम, आर्कियोलॉजिस्टों को नहीं मालूम, क्वांटम फिजिसिस्ट को नहीं मालूम, एस्ट्रोनॉमर्स को नहीं मालूम, स्पेस टेक्नोलॉजिस्टों को नहीं मालूम उन सवालों के जवाब। पढ़िएगा 38-39 में, प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं जो यहोवा पूछता है। यहोवा परमेश्वर एक बात कहता है, कहता, व्हेन द मॉर्निंग स्टार सैंग टुगेदर एंड द सन्स ऑफ गॉड शाउटेड फॉर जॉय। दो ग्रुप थे क्वायर के, एक थे मॉर्निंग स्टार और दूसरे थे सन्स ऑफ गॉड। मॉर्निंग स्टार एंड बिनाय हा एलोहिम,
मेजर डिविजन्स ऑफ द एंजेलिक होस्ट, परमेश्वर के दूतों की बहुत सी डिविजन्स हैं, परहैप्स दे आर हंड्रेड ऑफ कैटेगरीज, वी डू नॉट फुली नो, लेकिन यहां पे दो मेजर सब डिविजन्स प्रभु बताता है। एक ग्रुप का नाम है मॉर्निंग स्टार्स, दूसरे ग्रुप का नाम है सन्स ऑफ गॉड, बिनाए हा एलोहिम। तो ये जो मॉर्निंग स्टार है ये गाते थे जेनेसिस 1:1 में, हालेलुया, जब परमेश्वर पृथ्वी की नींव रख रहा था। सुनिए इसका चौथा वचन, वेयर वर यू व्हेन आई लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, हु डिटरमिंड इट्स मेजरमेंट, श्योरली यू नो, और हु स्ट्रेच्ड द लाइन अपॉन इट, ऑन व्हाट वर इट्स बेसिस संक, और हु लेड द कॉर्नरस्टोन, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy, when God was creating the universe, the angels were there, the cherubims were there, the ophanim, Ezekiel ophanim ka zikr karta hai, the ophanims were there, the hayats jise living creature kaha gaya, they were there, the cherubims were there, cherubim wahan pe the, the seraphim were there, they all were there and they were shouting for joy when God created the earth. Genesis 1:1 mein ये गा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। एंजल्स वहां पे थे जब जेनेसिस 1:1 हुआ, हालेलुया। लेकिन जेनेसिस 1:2 में पृथ्वी वॉयड और फॉर्मलेस हो गई क्योंकि रिबेलियन हुआ हेवन में, एंड 1/3 ऑफ द एंजल्स रैलीड अराउंड, उनको यहोवा ने गिरा दिया और पृथ्वी पे डार्कनेस आ गई, थिक डार्कनेस, गहरे अंधेरे की चादर ने ब्रह्मांड को ढक लिया, पानी में लीन हो गई, पहली जल प्रलय है, सेटन के रिबेलियन का डिल्यूज है वो, द फर्स्ट फ्लड दैट केम बिकॉज ऑफ द रिबेलियन ऑफ लूसिफर, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25:11 में, Matthew 24:11 में, what does Jesus say? Jesus says that hell was prepared for the devil and his angels. यहोवा ने नरक किसके लिए बनाया? इंसान के लिए नहीं बनाया। यहोवा किसी भी मनुष्य को नरक नहीं भेजना चाहता। जो लोग नरक जाएंगे, people who would go to hell, that would be their own choice. God hasn't ordained anybody to go to hell. Yet God knows who will go to hell. God's foreknowledge, God's sovereignty, God's eternal knowledge knows who will go to hell. But that is exactly not God's intent, not his desire. He created the hell for the devil and his angels. Lekin wahan pe log jayenge, avashya jayenge. Hell jo hai, hamesha zameen ke niche hai. Pad lijiyega Ayub 11 ki 8. मार्क कीजिए वचन, अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय 8 वचन, मत्ती 11 का 23, नरक के विषय में, दे आर अंडर द अर्थ, पृथ्वी की वूम में है हेल, हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? परमेश्वर का कलाम कहता है इन्हें हिब्रू में द चेंबर्स ऑफ द अर्थ, जो वर्ड है वो ये कहता है द चेंबर्स, पृथ्वी के नीचे के सताएं। कितने वर्ड हैं बाइबल में अंडरवर्ल्ड के लिए? देखिए चार वर्ड हैं। पहला वर्ड है शेओल, SHEOL, शेओल, शेओल अर्थात नीचे, जिसे हिंदी में गड्ढा कहा गया। भजनकार कई जगह कहता है, जब डिप्रेस है भजन लिखने वाला, कहता है मेरी जान गड्ढे की ओर जा रही है, उन्होंने मेरी जान के लिए गड्ढा तैयार किया है, उसके लिए वर्ड है शेओल, गड्ढा। और दूसरा वर्ड है हेडीज, हेडीज जो है ये ग्रीक वर्ड है, हेडीज असल में एक देवता है, पताल ग्रीक पैंथियोन का एक देवता है, जैसे हमारे देश के पैंथियोन में यमराज देवता है मौत का, और यूनान के पैंथियोन में, ग्रीक पैंथियोन में मौत के देवते का नाम है थेनाटोस। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में दोनों आ रहे हैं। आखिरी घोड़ा जो पेल ग्रीन, जिसे क्लोरोस कहा गया है, उस घोड़े के ऊपर बैठ के थेनाटोस और उसके पीछे हेडीज आ रहे हैं, हालेलुया। और हेडीज जो है ये दूसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड है टार्टरस। कई लोग मुझे पूछते हैं क्या है बाइबल के अंदर, तो हम सुन लीजिए ध्यान से। पहला शेओल, गड्ढा, नीचे चली जाती है लोगों की जान। दूसरा हेडीज,
पताल नरक, जो एक डीमन है, देवता है, जिसके अंदर समा जाते हैं लोग। तीसरा है टार्टरस, दूसरा पत्रस 2:4। टार्टरस को लोग कहते हैं सबसे निचला कंपार्टमेंट, सबसे वहां पे दुष्ट आत्माओं को जंजीरों के साथ बांधा गया है। दूसरा पत्रस 2:4 लिखा है। और चौथा जो एरिया है वो है गेहेना, गेहेनम, वैली ऑफ हिनोम से ये वर्ड लिया गया है, गेहेनम, मत्ती 12:5। गेहेनम ये न्यू टेस्टामेंट का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नरक। चारों सुसमाचारों में इसका जिक्र है। हालेलुया। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर वेन, डॉक्टर वेन एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने रिसर्च की है सैफायर पे। आपको मालूम ये ज्यूइश लोगों का ट्रेडिशन है कि मूसा से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो ओरल लॉ दिया जाता है, जैसे मोसेस ने जाशुआ को दिया, जाशुआ ने एल्डर्स को दिया, और आगे रबियों तक ये ओरल ट्रेडिशन पहुंचता गया। उस ओरल ट्रेडिशन में क्या लिखा है, ये लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जो 2 टैबलेट पत्थर की जिसपे अपने नियम अपनी उंगली से लिख के दिए, वो सैफायर की टैबलेट थी, सैफायर की। तो जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वेन, उनकी रिसर्च ये बताती है कि दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। पढ़िएगा आप एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 31:18, एक्सोडस 31:18, यहां पे लिखा है गॉड रोट द लॉ विद हिज ओन फिंगर। आपको मालूम यीशु मसीह जमीन पे झुक के क्यों लिखने लगा था? वो यीशु मसीह को बता रहे थे, मूसा की व्यवस्था हमें बताती है जो यहोवा ने अपनी उंगली से लिख के दी है कि ऐसी औरत को पत्थर मारो, तो यीशु मसीह बता रहा है ये वही उंगली है जिसने उन तख्तियों को लिख के दिया है। यीशु मसीह कहता, अगर इस उंगली से, फिंगर ऑफ गॉड से, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आन पड़ा है। He was showing his finger that this is the same finger. Hallelujah. तो परमेश्वर की उंगली क्या है? आग है। क्या भाई और बहन, इब्रानियों की 12:29 में, इब्रानियों 12:29 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है, अद्भुत आग है यहोवा। यहोवा परमेश्वर का वजूद अग्नि है, पवित्र अग्नि। जहां यहोवा की हजूरी आएगी, आग आएगी, और आग हर तरह के अंधकार को, हर तरह के शरीर के काम को, हर तरह की गंदगी को भस्म करेगी। जहां यहोवा होगा वहां प्रचंड आग होगी। यहोवा की फिंगर क्या है? फायर वॉज कमिंग आउट ऑफ द फिंगर, लेजर बीम। इजिकियल 1:27 पढ़िए, यहोवा का सिंहासन आग है। इजिकियल देखता है इजिकियल 1:27 में, यहोवा का सिंहासन आग है, फायर है यहोवा की हजूरी। ये वो फायर है जो झाड़ी को लगा तो है लेकिन झाड़ी जलती नहीं है। आपको लगेगा लेकिन आप भस्म नहीं होंगे, पाप और अंधकार भस्म। हमारा परमेश्वर वो अग्नि। तो साइंटिस्ट वेन, जो डॉक्टर वेन है, उसकी क्या रिसर्च है? डॉक्टर वेन ये कहते हैं, उन्होंने रिसर्च की है और अपना पेपर वर्क प्रेजेंट किया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये चट्टानों के अंदर होता है। जो बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मेटल होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा किन रॉक में पाया गया है? जो चट्टाने मिडल ईस्ट में है। हालेलुया। अरेबिया के पहाड़ जहां पे यहोवा परमेश्वर का जलाल उतरा, एल जबाल माउंटेन, जिन चट्टान के ऊपर टेबलेट से पे यहोवा ने अपनी फायर से, उसकी उंगली से अग्नि निकली और उसने 10 नियम लिख के दिए। इसने रिसर्च की है कि मिडल ईस्ट की जो चट्टाने हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा आग के अंदर चला जाएगा तो ये सैफायर में बदल जाता है। आपको मालूम प्रचंड अग्नि में, जहां प्रचंड अग्नि होती है, लावा होता है बहुत हाई एक्सट्रीम, हीरे में बदल जाता है। कार्बन कोला होता है, लेकिन कोला जब इतनी प्रचंड अग्नि में जाता है वो हीरा बनता है। यहोवा की आग मेरे जैसे कार्बन को, काले कार्बन को हीरा बना देती है।
यहोवा की प्रचंड अग्नि की हजूरी चाहिए। लोग कहते हैं लोगों का जीवन नहीं बदलता, मैं गारंटी देता हूं भाई और बहनों, ये हो नहीं सकता। यहोवा के चरणों में जाएं और आपका जीवन ना बदले। सिगरेट पीने वाला सिगरेट ना छोड़े, हरामकारी जना करने वाला, अडल्ट्री करने वाला अपना गंदा जीवन ना छोड़े, जुआ खेलने वाला जुआ ना छोड़े, चोरी करने वाला चोरी करना ना छोड़े, गंदे काम करने वाला, गालियां देने वाला गालियां। ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसी प्रचंड आग के पास काला कोला जाए और वो हीरा ना बने। इट इज नॉट पॉसिबल। यहोवा की प्रचंड अग्नि चाहिए आपको। चर्च के अंदर अग्नि नहीं है, यहोवा की प्रचंड आग नहीं है, इसलिए तो कार्बन कार्बन ही है, हीरा नहीं बन रहा। लोग तो बस जुमलेबाजियां कर रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग बाजियां कर रहे हैं, ही नहीं है। ये आग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सफायर में बदलती है। प्रचंड आग, एक्सट्रीम आग में तप के कार्बन हीरा बनता है। आप तब डायमंड बनेंगे जब आप उसकी आग में जाएंगे। चर्च में तो जाते होंगे लेकिन आग में जाना होगा। हालेलुया। पता लग जाएगा कोई इंसान आग में रहा है, उसको एज देगा। पर आपको मालूम एजेस देता है डायमंड को, बिना एजेस के डायमंड की कोई वैल्यू नहीं है। फाइन एजेस देता है यहोवा और डायमंड बनाता है हमें। हालेलुया। तो ये सफायर स्टोन जो है, पढ़िए एक्सोडस 24 का 10, निर्गमन की पुस्तक 24 का 10 मेंशन कर दीजिए बीच में। जहां जहां परमेश्वर शो अप करेगा वहां वहां आग आएगी, वहां वहां कार्बन जो है वो हीरा बनेगा, वहां वहां अल्यूमिनियम ऑक्साइड सफायर बन जाएगी। इसलिए जब प्रभु की सचमुच हजूरी आती है ना, तब सोना गिरता है, गोल्ड डस्ट आती है, डायमंड भी गिरते हैं, जूल्स भी गिरते हैं। लेकिन लोग उसको ड्रामा बना देते हैं। कई लोग, हजूरी होती नहीं है, प्रेजेंस होती नहीं है, पवित्रता ही होती नहीं है, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री को एक्स्ट्रा हाइप देने के लिए लोग मशहूरियां करते हैं कि गोल्ड डस्ट आ रहा है और कोई आ नहीं रहा होता है। कहते तेल आ रहा है जी आपके हाथ में, तो कुछ नहीं आ रहा होता। फेक बनाने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, फॉल्स फ्लैग मत खड़े कीजिए। यहोवा को ढूंढिए, यहोवा के पीछे जाइए। ऐसा प्यार हो जाए आपका यहोवा से कि यहोवा आए जहां आप सभा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, अपने आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड सफायर में बदलेगा, अपने आप कार्बन हीरे में बदलेगा, कालख डायमंड में तब्दील हो जाएगी जब यहोवा आएगा। तो जब यहोवा नहीं आ रहा है तो फेक चीजें मत करिए कि गोल्ड डस्ट गिर रहा है, ये हो रहा है। वेट अपॉन हिम, इनवाइट हिम, लेट हिम कम। गिरती है, डायमंड ज्यूल्स गिरते हैं स्वर्ग से, मैं मानता हूं। लोगों के कैविटीज भर जाते हैं गोल्ड से, आई बिलीव इट। लेकिन तब होता है जब स्वयं यहोवा की हजूरी आती है, जब यहोवा शो अप करेगा। आपको मालूम इस वर्ल्ड विंड में कौन होते हैं? लिविंग क्रीचर्स होते हैं। इस वर्ल्ड विंड में करुबीम होते हैं, इस वर्ल्ड विंड के अंदर एंजल्स होते हैं। मैं आपको कुछ हवाले देने चाहता हूं, जल्दी जल्दी से लिखिए। आंधी है, वर्ल्ड विंड कहां आती है? सबसे पहले कहां आई? उत्पत्ति 3:18 में, 3:8 में यहोवा जब आता है ना बागे अदन में आदम से मिलने के लिए, तो क्या कूल ऑफ द डे विंड के साथ आता है और आदम से मुलाकात करता है, जेनेसिस 3:8। दूसरी जगह ये जो विंड है, आंधी है, ये लाल समुद्र को खोल देती है, एक्सोडस 14:21, उत्पत्ति 14:21 में ये आंधी आके लाल समुद्र को खोलती है, वर्ल्ड विंड। तीसरा रेफरेंस इस वर्ल्ड विंड का, हालेलुया, ये आंधी इसराइलियों ने यहोवा से मीट मांगा खाने के लिए, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। यहोवा की प्रचंड आंधी ने क्वेल्स भेजे, गिनती की पुस्तक 11:31 में। प्लीज ये वचन लिखते जाइए। हालेलुया। सबसे पहला रेफरेंस इस डिवाइन विंड का, उत्पत्ति 3:8 में। दूसरा वो आंधी जिसने लाल समुंदर खोला, एक्सोडस 14:21 में। तीसरा वो विंड जो क्वेल्स लेके आई इसराइलियों के लिए, मीट लेकर आई, नंबर्स गिनती 11:31 में। और जो विंड लेकर आई
विंड जो है यहोवा को लेकर आती है करूबों पे, वर्ल विंड जो यहोवा को करूबों पे लेके आती है। पढ़ लीजिए साम 18:10, मैं ये वचन पढ़ता हूं आपके लिए। लेट मी रीड दिस साम 18:10, साम 18:10, पढ़िए मेरे साथ यहोवा के कलाम को, 18:10 को पढ़ें। ही रोड ऑन चेरब एंड फ्लू, ही केम स्विफ्टली ऑन द विंग्स ऑफ द विंड। यहोवा परमेश्वर के एयरप्लेन क्या है? यहोवा परमेश्वर के एयरप्लेन है वर्ल्ड विंड, विंड। यहोवा परमेश्वर के एयरप्लेन है केरबिम, एंजेलिक होस्ट। ही फ्लाइज ऑल ओवर द यूनिवर्स। हालेलुया। नाउ लेट मी गिव यू द फिफ्थ रेफरेंस। द विंड अपीयर्ड एंड गॉड वॉज सीन इन द मिडल ऑफ द विंड। इजिकियल 1:4, इजिकियल 1:4 पढ़ लीजिएगा। गॉड वॉज रिवील्ड, इजिकियल सॉ हिज ग्लोरी राइट इन द व्हर्लविंड। इजिकियल 1:4। छठा रेफरेंस, पंतेकुस के दिन ये व्हर्लविंड आई, ये आंधी आई, 120 लोग दुआ कर रहे थे अपर रूम में, ये डिवाइन व्हर्लविंड आई, और ये यहोवा की हेवनली ट्रांसपोर्टेशन है। इसके बीच में यहोवा आया करुबीमों पे, चरबीम पे सवार होके, और एंजेलिक होस्ट आया, और होली स्पिरिट आया, और होली स्पिरिट से प्रेरितों के काम 2:2 लिख लीजिए, Acts 2:2, होली स्पिरिट से 120 लोग भर गए और यीशु मसीह की जलाली दुल्हन का जन्म हुआ। भाई और बहनों, वर्ल्डविंड मांगिए कि यहोवा की वर्ल्डविंड आए। हालेलुया। हमें एम्प्टी प्रोग्राम्स नहीं चाहिए, म्यूजिकल टैलेंट, म्यूजिकल हंट शो नहीं है ये, चर्च सोशल क्लब नहीं है, हमें यहोवा की वर्ल्ड विंड चाहिए। मांगिए यहोवा की रियल हजूरी को। हालेलुया। सनातन के यहोवा की अद्भुत उपस्थिति को वर्ल्ड विंड में आएगी। मैंने एक टेस्टमनी पढ़ी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। साउथ डकोटा में 1985 में एक पास्टर थे, बेली बिशप चर्च ऑफ गॉड में, और वो एक नए पास्टर गए उस चर्च में। एक बुजुर्ग औरत थी, 80 साल से ज्यादा उम्र की औरत, और वो खुदावंद की बंदी थी, उसका नाम था लिज ब्रॉकवे। तो ये नए पास्टर उनसे मिलने के लिए गए, जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी सुनाई जो 1929 में गुजरी, जब ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में। जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, लोग बहुत गरीब हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और इस औरत के 2 बच्चे थे, और इनके लिए ये खेती करते थे। और उन दिनों में क्या होता था, उसे अगर आप चेक करेंगे, डस्ट बॉल्स कहते हैं, डेजर्ट में, साउथ डकोटा के डेजर्ट में आंधियां आती थी, बड़ी बड़ी प्रचंड आंधियां, सैंड स्टॉर्म्स, उन्हें लोग कहते थे डस्ट बॉल्स, और उनसे फसलें, जो सारी की सारी फसलें तबाह हो जाती थी, सैंड के नीचे दब जाती थी। तो इस लेडी का पति जो है वो अचानक बीमार पड़ गया, कहीं गया था, बुरी तरह बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, और डॉक्टर्स ने बोला बहुत क्रिटिकल है उसकी कंडीशन, और उधर से सैंड स्टॉर्म आ गए, सैंड बॉल्स जिन्हें हम बोलते हैं, और इस औरत का जो भी खेती करते थे, मुर्गे वगैरह जानवर रखे थे, सब कुछ दब गया सैंड के अंदर। 2 बेटियां थी इनकी, हॉस्पिटल से इनको कॉल आई, और इनके लिए वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तो ये औरत खुदा की बंदी थी। आपको मालूम इस औरत की गवाही क्या है? इस औरत की गवाही ये है कि ये खेत के अंदर थी और सैंड बॉल आ रही थी, सैंड स्टॉर्म आ रहा था, ये अपने खाने के लिए कुछ अनाज और सब्जियां अपनी बेटियों के साथ बचा के अपने घर ले जाना चाहती थी। इतने में क्या हुआ, सैंड की वर्लविंड आई, ऐसे वामरोला आया, वो सैंड का था, रेत का, और वो उसके आगे ऐसे आके खड़ा हो गया, और इस औरत ने कहा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे इसने बोला इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सारी की सारी सैंड गिर गई जमीन पे, और उस सैंड के अंदर एक इंसान खड़ा था, और वो यहोवा का एंजल था। आपको मालूम यहोवा के एंजल इंसानों की सूरत में प्रकट होते हैं। इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कई लोगों ने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया है, वो इसलिए कहता है कि लोगों की पहुनाई कीजिए, हॉस्पिटैलिटी कीजिए। कईयों ने, उनको मालूम नहीं था, उन्होंने एंजल्स को खाना खिला दिया। बवंडर, ललित जी बिल्कुल सही बात, बवंडर। तो वो एंजल था,
और उस एंजल ने इस औरत से क्या कहा? ये कहा, तेरा पति कल वापस घर आएगा, और डॉक्टर ने बोला था मर जाएगा, तेरा पति आएगा और तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा और तेरा पति दीर्घायु जिएगा। उसका पति मिरेकुलसली अगले दिन घर आ गया। यहोवा ने इनका सब कुछ बहाल कर दिया, हालेलुया, और वो पति, उसका पति लंबी उम्र जिया, हालेलुया। उस टॉर्नेडो के अंदर ललित भाई बता रहे बवंडर के कौन था? परमेश्वर। वचन में लिखा है, एक मरकुस रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में लिखा है, वो जो दो चेले जा रहे थे ना एमाउस के रोड पे, वहां पे लिखा है यीशु मसीह निराले रूप में उन्हें दिखाई दिया। ग्रीक वर्ड है हिट्रोमोर्फिया, भेस बटा के यीशु मसीह। कई बार यीशु आ सकता है भेस बटा के आपके पास, आप नहीं पहचानेंगे अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। इब्रानियों 13:2 में लिखा है वो आ सकते हैं एंजल्स भेस बटा के। हालेलुया, यीशु मसीह हिट्रोमोर्फिया में, एक निराले रूप में यीशु मसीह 7-8 मील की जर्नी, 13 किलोमीटर की जर्नी की उसने, लगभग 50 मिनट्स टू 1 आवर की जर्नी, और बातें करता गया, कलाम खोलता गया। और वो क्या कहते हैं, हमारे दिल को आग लगी थी जब वो हमारे से बातें करता था। परमेश्वर की हजूरी आग है। आपकी चर्च में आग चाहिए, आपके जीवन में आग चाहिए, आपके परिवार में आग चाहिए। परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देता है। आपको मालूम, उस औरत ने एक अद्भुत बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उसने देखा कि रेत गिर गई और उसमें से एंजल निकला है, तो वो एंजल से बात करती है। एंजल उसे बताता है तेरे पर इतनी ब्लेसिंग आई। वो औरत एंजल को पता क्या कहती है? कहती है इफ दैट हैपेंस। और दूसरी बात मैं बताना भूल गया, उसकी एक गाय थी, काऊ थी। उस गाय को जो जो नुकीली तार बनाई थी रेत सैंडस्टॉर्म आने के बाद, वो गाय तार के अंदर फंस गई और जख्मी हो गई, उसकी टांगें ऑलमोस्ट कटने वाली हो गई, लहू लोहान थी गाय। तो एंजल ने बोला तेरा पति कल घर लौटेगा, तेरी गाय समय चंगी होगी, तू जाएगी, उसके शरीर पे कोई घाव नहीं होगा, कोई जख्म नहीं होगा। तो वो क्या कहती है एंजल से? कहती है इफ गॉड डज दिस मिरेकल, इफ दिस हैपेंस, देन आई विल सेल दिस काउ एंड गिव ऑल द मनी फॉर गॉड्स वर्क। परमेश्वर के काम के लिए गाय को बेच के सारा पैसा दे दूंगी। को मालूम, उस एंजल ने औरत की तरफ ऐसे उंगली की, ये औरत की गवाही है जो मैं आपको बता रहा हूं। और उस एंजल ने औरत से पता क्या कहा? एंजल ने कहा देयर आर नो इफ्स इन द प्लान ऑफ गॉड, देयर आर नो इफ्स इन द प्लान ऑफ गॉड, डू नॉट पुट इफ व्हेन यू प्रे। मसीह लोग लोडेड होते हैं अनबिलीफ से, अविश्वास से, इफ लगा के प्रार्थना करते हैं। और वो एंजल डिसअपियर हो गया और सारे काम वैसे हुए जैसे परमेश्वर ने कहे थे। इफ नहीं है परमेश्वर के राज्य में, इफ नहीं है परमेश्वर के राज्य में, ये एंड एमिन है, हाँ और अमीन है। बहुत सारे मसीह लोग इफ अगर 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 मगर करते हैं। इफ इफ्स एंड बट्स वर पॉट्स एंड पैन्स, यू ऑल वुड बी टिंकर्स। इंग्लिश idiom है ये, हालेलुया। इफ इफ एंड बट्स वर पॉट्स एंड पैन्स, यू ऑल वुड बी टिंकर्स। परमेश्वर के राज्य में कोई इफ नहीं है, परमेश्वर के राज्य में सर्टेनिटी है। ये इफ आपका अनबिलीफ है, इसे निकाल दीजिए। परमेश्वर के कलाम में 3 different ढंग से हैं इफ, 3 different ढंग से, और ये कंजंक्शन के रूप में इंग्लिश की बाइबल में है जो 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं। और इफ की डेफिनेशन डिपेंड करती है कैसे इसे यूज किया गया है, क्या प्रीसपोजिशन है, इन केस ग्रांटिंग और सपोजिंग और ऑन दैट कंडीशन, इफ गॉड विल ओनली हेल्प ही विल गिव मी जॉब, इफ इफ इफ, अगर प्रभु ये करे, इफ प्रभु ये करे, इफ प्रभु ये करे। इफ नहीं होनी चाहिए आपकी प्रार्थना में। मैं आपको 3 इफ बताने जा रहा हूं, हालेलुया।
हमारा परमेश्वर के संग जो कवनेंट है, वाचा है, उसके अंदर क्या है? परमेश्वर कहता है, इफ माय पीपल, इफ यू कीप द कमेंडमेंट, इफ यू ऑनर द कवनेंट, इफ यू वॉक इन माय स्टैट्यूज, इफ यू वॉक इन माय डिक्रीज, देन आई विल ब्लेस यू। तो कवनेंट का एक पार्ट है इफ। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा, इफ माई, परमेश्वर यूज करता है कवनेंट की कंडीशन के लिए इफ यूज करता है, अपने पार्ट पे इफ नहीं यूज कर रहा, अपनी सॉवरेंटी पे, अपने मिरकल करने की ताकत पे, अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करने की ताकत पे इफ नहीं लगा रहा परमेश्वर, अपनी हैसियत, अपनी हस्ती पे इफ नहीं लगा रहा है। हमारी जो साइड है, हमारा जो पार्ट है, वाचा का हिस्सा जो हमने पूरा करना है, उसमें परमेश्वर इफ लगा रहा है। इफ यू कीप, 2 Chronicles 7:14 में लिखा, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, इफ दे हम्बल देमसेल्व्स, इफ दे रिलिंक्विश देयर इविल वेज, इफ दे बेंड देयर नीज, इफ दे सीक माई फेस, देन आई विल हील देयर लैंड। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15:7-10 में यीशु मसीह कहते हैं, अगर इफ मेरी तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। दाखलता में आप सटे रहें और फल लाएं प्रभु के लिए, तो प्रभु कहता है जो कहोगे तो वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये जो इफ है, इसका कनेक्शन हमारी ओबीडियंस से है, परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं है, परमेश्वर के पराक्रम वाली शक्ति से नहीं है, परमेश्वर की प्रॉमिस कीपिंग में कोई कंडीशन नहीं है, परमेश्वर के कवनेंट को डिलीवर करने में कोई इफ नहीं है। आप में, मुझ में है इफ। इफ इज कंटिंजेंट अपॉन माई ओबीडियंस, मेरी आज्ञाकारिता के संग इफ जुड़ी है। हालेलुया। इफ का कनेक्शन इंसान से है, दूसरा रेलम इफ का इंसान से है, क्योंकि इंसान हमेशा क्वेश्चन करता है परमेश्वर को। वो कोड़ी आया ना प्रभु से, क्या कहता है? इफ यू वॉन्ट, अगर तू चाहे तो मैं मुझे चंगा कर दे। इफ लगाया उसने प्रार्थना के आगे, प्रभु अगर इफ आप चाहें तो मुझे चंगा कर दें। तो यीशु मसीह ने क्या किया भाई और बहनों? लूका रचित सुसमाचार 5:12-13 मार्क कर दीजिए, Luke 5:12-13, Luke 5:12-13, यीशु मसीह ने इफ हटा दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, इसी समय चंगा हो जा, और वो चंगा हो गया। Matthew 17:14-21 मार्क कर दीजिए, पढ़िएगा इन्हें, Matthew 17:14-21, Luke 5:12-13, Matthew 17:14-21 में एक व्यक्ति आके कहता है, इफ यू वॉन्ट हील माई सन, इफ यू वॉन्ट यू कैन हील माई सन। यीशु मसीह कहता है आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। इफ हटा दिया यीशु मसीह ने। तो इफ हटा के प्रार्थनाएं कीजिए। बहुत सारे लोग श्योर नहीं होते, इफ लगाते हैं, इफ हटाइए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, ओनली इफ यू बिलीव। हालेलुया। पर्सन, इंसान का जो डाउट है, समझ रहे हैं आप इफ कहां है? इंसान का डाउट है, पर्सन डाउट्स द विलिंगनेस ऑफ गॉड टू परफॉर्म हिज वर्ड इन योर लाइफ। यू डाउट गॉड्स विलिंगनेस टू परफॉर्म हिज वर्ड इन योर लाइफ, तो आप इफ लगा देते हो। इफ कब लगाते हो? अगर मगर कब करते हो आप? जब आपको शक है परमेश्वर की विलिंगनेस पे, इच्छा पे, कि वो आपके जीवन में अपने कलाम को पूरा करेगा या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों अपने कलाम को पूरा नहीं करेगा? आपको मालूम जर्मिया क्या कहता है? जर्मिया कहता है परमेश्वर अपने कलाम के ऊपर अपनी नजर लगा के रखता है, एंड ही हेसन्स टू परफॉर्म हिज वर्ड, अपने कलाम को पूरा करने में तत्पर रहता है यहोवा परमेश्वर, तुरंत अपने कलाम को पूरा करता है। वो उन्हें देखता है जो उसके कलाम को थाम के बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो इफ हटा दीजिए, रिमूव द इफ एंड बिलीव हिम। उसके कूड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा होगा होऊंगा नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं। अब मैंने इस चंगाई को अपने अंदर रिसीव करना है, और धन्यवाद के साथ इसकी मैनिफेस्टेशन देखनी है। धन्यवाद करना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हुआ। प्रभु तेरी करुणा और भलाई जीवन भर मेरा पीछा करेंगे। प्रभु तेरे एंजल्स मेरे इर्द गिर्द हैं छावनी बांध के। ये इफ पता क्यों लगती है? जब पाप होता है जीवन में, हिडन सिन होता है, तब इफ
आपकी सोल लगाती है। और तीसरी इफ होती है शैतान की। पहली इफ परमेश्वर की ओर से है, लेकिन परमेश्वर की हस्ती में इफ नहीं है, वो आपके लिए है कि इफ यू विल कीप माई कवनेंट। दूसरी इफ इंसान की है। ये दो बंदे यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, इफ यू वॉन्ट हील मी, आई एम अ लेपर। यीशु मसीह ने इफ हटा दी, यीशु मसीह ने कहा आई वॉन्ट दैट यू बी हील्ड। दूसरा, एक पिता अपने बेटे को लेके आता है, इफ यू वॉन्ट हील माई सन, यीशु मसीह कहते हैं यस आई एम गोना हील योर सन, रिमूव द इफ। यीशु मसीह कहते हैं इफ यू ओनली बिलीव। तीसरी इफ है शैतान की। क्या कहता है शैतान? मत्ती रची सुसमाचार 4:3-6, मार्क कीजिए, मत्ती 4:3-6, यीशु मसीह कहता है इफ यू आर द सन ऑफ गॉड स्पीक टू द स्टोन्स एंड दे विल टर्न इनटू ब्रेड फॉर यू। देन व्हाट डज ही से? ही टेक्स जीसस अप ऑन द पिनकल एंड ही सेज थ्रो योर सेल्फ फ्रॉम हियर। इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, गॉड विल चार्ज हिज एंजल्स कंसर्निंग यू, दे विल लिफ्ट यू अप इन देयर हैंड्स द स्टोन। शैतान इफ लेके आता है, परमेश्वर की इच्छा के आगे सवालिया चिन्ह लगाता है। हालेलुया। ये जो इफ है इसको आपने रिब्यूक करना है। यू हैव टू रिब्यूक इट विद द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इफ इज ऑफ द एडवर्सरी टू क्रिएट डाउट एंड अनबिलीफ इन योर हार्ट। अगर एक व्यक्ति अपने मन में क्वेश्चन करता है ना परमेश्वर की इच्छा पे, सवालिया चिन्ह लगाता है, तो वो इफ लगाता है। द इफ ऑफ गॉड इज अ कंडीशन अपॉन योर हार्ट एंड ओबीडियंस। परमेश्वर की इफ सिर्फ आपके हार्ट की ओबीडियंस के ऊपर है। कभी इफ लगा के प्रार्थना ना करें। हालेलुया। मैं वर्ल्ड विंड के ऊपर, वर्ल्ड विंड के अंदर एंजल्स हैं, इसके ऊपर हम और आगे मनन करेंगे। ये वर्ल्ड विंड मांगे, आपके घर में आए ये वर्ल्ड विंड, आपके जीवन में आए ये वर्ल्ड विंड। क्या कह रहे थे ललित भाई इसे, इस वर्ल्ड विंड के लिए हिंदी शब्द यूज कर रहे थे, मैं भूल गया। फिर ये प्रचंड आंधी स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। गॉड विल डिस्पैच एंजल्स, गॉड विल कम एंड पुट हिज थ्रोन अमंग यू ऑन द सैफायर पेवमेंट, हिज मजेस्टिक थ्रोन विल बी एस्टैब्लिश्ड। उसका अद्भुत सिंहासन लगेगा। खोजिए कलाम को मेरे साथ, खुद खोजिए, पवित्र आत्मा के सानिध्य में खोजिए, पवित्र आत्मा के संग संगति कीजिए। परमेश्वर के जी बवंडर, ये इलाही बवंडर है पाखरू का, ये बवंडर आपके जीवन में आए। ये बवंडर चाहिए और अग्नि चाहिए, अग्नि, प्रचंड अग्नि। आपको मालूम चर्चेस के अंदर जब अग्नि नहीं होती तो चर्च बहुत से एजेंडाज बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, लोगों को बिजी रखते हैं। यूथ प्रोग्राम, चिल्ड्रन प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर द कपल्स, और फेट, और सिंगिंग कंपटीशन, टैलेंट हंट, पिकनिक, रिजॉर्ट जाना, ये करना, वो करना। आग मांगिए, आग आपको बिजी रखेगी, आग रूपांतर कर देगी। अब ये होगा कि आग आज को बदल देती है, स्ट्रीट्स को बदल देती है, आपकी लोकालिटी को बदल देगी, आपके इलाके को, आपकी सिटी को तब्दील करेगी। आइए यहोवा से मांगे बवंडर, वर्ल्ड विंड। ये पोर्टल है, डिवाइन पोर्टल, ये खुलते हैं भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, परमेश्वर के चेहरे की खोज के द्वारा। जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, स्ट्रेट गेट से, तंग फाटक से, तंग पथ पे चलते हैं, अपने जिस्म जिस्म की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाते हैं, डेली क्रूस उठाते हैं और अपने आप का इनकार करते हैं और परमेश्वर के कलाम के अनुरूप अपना जीवन बनाते हैं, ये बवंडर हमें घेर के। मैंने देखी है वर्ल्ड विंड, मैंने वर्ल्ड विंड डीमन भी देखे हैं। फिर उसके ऊपर मैं आपको एक और जबरदस्त टीचिंग, हम और आगे इसका सेकेंड पार्ट में चलेंगे। तो मैं आपसे ये आह्वान करता हूं, आग ढूंढें, अग्नि, अग्नि से भर जाएं, परमेश्वर की पवित्र अग्नि से। ये गेटवेज हैं हेवनली किंगडम के, डिफरेंट डिमेंशंस हैं इस यूनिवर्स की। ये मल्टीवर्स दुनिया है जिसमें आप रह रहे हो। आप तो सिर्फ 3 डिमेंशन से अवेयर हो, इसकी मल्टी डिमेंशनल रियालिटीज हैं
जो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर खोलेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा शायद रात को प्रार्थना के लिए, और टुमारो अर्ली मॉर्निंग वी विल सी ईच अदर।